क्योंकि अटेंडेंट, परिजन और रिश्तेदार की गलती की वजह से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया और युवक बेचारे की जान चली गई। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में सचिन शर्मा को ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना था, लेकिन लापरवाही की वजह से उनको ए बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। जांच कमेटी ने जांच के नाम पे एक सीनियर डॉक्टर, दो रेजिडेंट डॉक्टर और कुछ नर्सिंग और अन्य स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। सीनियर डॉक्टर का कहना है उनकी ड्यूटी उस दिन कहीं और थी और मौके पे ड्यूटी एचओडी साहब की थी। और वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपने साथी को सस्पेंड किए जाने की नाराजगी को जाहिर करते हुए सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर दिया है और हड़ताल पे बैठ गए हैं। अब ऐसे में नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन भी शांत तो रहने वाला नहीं है। इसका मतलब एसएमएस हॉस्पिटल में काम ठप होने वाला है, पेशेंट इलाज के अभाव में बीमार और बीमार होने वाले हैं, मरने वाले हैं। और पुराने तजुर्बा साफ बताता है सरकार को एसोसिएशन के सामने झुकना ही पड़ता है। सस्पेंड किए हुए डॉक्टर और स्टाफ को बहाल करना ही होगा और मामला परिवार की तरफ से कोर्ट में जाएगा, जहां वो तारीख पे लटका ही रहेगा। और जिन्होंने हकीकत में लापरवाही करी है वो अपने जीवन आराम से व्यतीत कर स्वर्ग की प्राप्ति पर चले जाएंगे। तड़पेगा तो कौन, तड़पेगी सिर्फ उसकी माँ, उस युवक की आत्मा, सिस्टम और ये जनता।